श्री गणेशाय नमः वर्था संप्रृक् वा गर्थ प्रतिपत जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर महापुराण द्वादश स्कंध अध्याय श्रीमद्भागवत संक्षिप्त विषय सूची। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूत उवाच नमो धर्मा महते नम कृष्णा वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना तद्व वह कथित विप्रा विष्णुश्चरित मद्भुतम भवदीर्यद पृष्ठो नाराण सूत सूतजी कहते हैं भगवद भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद्भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ सौन ऋषियों आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है वे ही सबके हृदय में विराजमान सबके इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है सौनक जी इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्त योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्त योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का साप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ यह कथा भी प्रथम स्कंध में ही है योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि ब्रह्मा और नारद का संवाद अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महातत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंध में हुआ है तीसरे स्कंध में पहले पहल विदुर जी और उद्धव जी के तदनंतर विदुर तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महातत्व आदि सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप लोक पद्म की उत्पत्ति प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभु मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था कर्दम प्रजापति का चरित्र उनसे मुनि पत्नियों का जन्म महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है चौथे स्कंध में मरीचि आदि नव प्रजापतियों की उत्पत्ति दक्ष यज्ञ का विध्वंस राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बर्य और नारद जी के संवाद का वर्णन है पाँचवें स्कंध में, में प्रियव्रत का उपाख्यान नाभि ऋषभ और भरत के चरित्र द्वीपवर्ष समुद्र पर्वत और नदियों का वर्णन ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है सौनकादि ऋषियों छठे स्कंध में ये विषय आए हैं प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति दक्ष पुत्रियों की संतान देवता असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म वृत्रासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब सातवें स्कंध के विषय में बतलाए जाते हैं इस स्कंध में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है आठवें स्कंध में मनमंत्रों की कथा गजेंद्र मोक्ष विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार कूर्म मत्स्य वामन धन्वंतरी हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है नवे स्कंध में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है इच्छ्वाक के जन्म कर्म वंश विस्तार महात्मा सुद्युम्न इला एवं तारा के उपाख्यान इन सबका वर्णन किया गया है सूर्य वंश का वृत्तांत ससाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन सुकन्या का चरित्र सरयाती खटवांग मानधाता सौभरी सगर बुद्धिमान ककुत्स और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंध में है तदनंतर निमिका का देह त्याग और जन्मों की उत्पत्ति का वर्णन है भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार चंद्रवंशी नरपति पुरु यजाति नहुस दुष्यंत नंदन भरत संतन और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंद में ही हैं सबके अंत में यजात के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है सौनकाद ऋषियों इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता फिर भी दशम स्कंध में उनका कुछ कीर्तन किया गया है वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया बचपन में ही छकड़े को उलट दिया तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला दावा नल से घिरे गोपों की रक्षा की काली नाग का दमन किया अजगर से नंद बाबा को छुनाया इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ राशक क्रीड़ा की दुष्ट शंखचूर् अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई तदनंतर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलया पीढ़ हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया शांदीपन गुरु के यहाँ अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए सौनकाद ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया कालयवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया द्वारका पूरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधरमा सभा ले आए भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भवमासुर को मारकर सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण की शिशुपाल पौंड्रक साल व दुष्ट दंतवक्त्र संबरासुर द्विविध पीठ मुर पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया शवनकादि ऋषियों ग्यारहवें स्कंध में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के साप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया इस स्कंध में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है उसमें संपूर्ण आत्मक ज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्य लोग का परित्याग किया बारहवें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है चार प्रकार के प्रलय और तीन प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंध में है इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है मार्कंडेय जी की सुंदर कथा भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है सौनकाद्य ऋषियों आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चैत्रों का ही कीर्तन किया है जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है सारहीन है सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है उससे काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मान मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणार विंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सूय सूचक नाम जड़े हुए हैं वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अभिचल स्मृति प्रदान करता है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अभिचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती और परम शांति का विस्तार करती है उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है सौनकादि ऋषियों आप लोग बड़े भाग्यवान हैं धन्य है, धन्य है, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वान्तर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं जिस समय राजर्ष परीक्षित अनसन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षि के मुख से इस आत्म तत्त्व का श्रवण किया था आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ शवनकाद्य ऋषियों भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता मुनि सिद्ध पितर मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या घृतकुल्या और पयाहकुल्या मधु घी एवं दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है इसके अध्ययन से ब्राह्मण को रितम भरा प्रज्ञा तत्वज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्मतत्व ही हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं भिन्न नहीं ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनके वृत्तियों को अपने ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ हरि शरणम श्री कृष्णार्पणमस्तु